नगर निगम के पार्षद एवं समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष शहाब अंसारी की बहन शाइस्ता ने दो वीडियो वायरल कर अपने भाई पर नगर निगम के कंबल को जनता में ना वितरण करके बेचने का आरोप लगाया। जबकि वहीं दूसरी तरफ पार्षद शहाब अंसारी से बात करने पर उन्होंने बताया कि जो वीडियो मेरी बहन ने वायरल किया है उस वीडियो में कंबल पर पेंट किया गया है, जबकि नगर निगम के कंबल पर नगर निगम का स्टिकर लगा होता है। और यह भी कहा कि एक वरिष्ठ सपा नेता मेरी बहन के साथ मिलकर मेरे राजनीतिक करियर को खराब करने की साजिश कर रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्षद की बहन शाइस्ता एवं नगर निगम पार्षद एवं सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष शहाब अंसारी ने कहा। मैं शहाब अंसारी की बहन बोल रही हूँ। आज 13 अगस्त है और मैं आपको कुछ सच्चाई बताना चाहती हूँ। ये कंबल है नगर निगम का, इसको आप बहुत अच्छे से देखिए। इस कंबल को जो उसने यहाँ पे, ये दूसरे का घर है, ये चोरी से सामान, हमारे घर छोटा होने की वजह से जगह नहीं है तो ये यहाँ पे ला करके चोरी करके रख देता है सारा सामान। आज 13 अगस्त की डेट है, मैं शाह अंसारी की बहन बोल रही हूँ और ये कंबल है नगर निगम का जो गरीबों को बांटने के लिए आता है, जो वो बांटता नहीं है और चोरी करके यहाँ पे रख दिया है उसने। और इतने ही कंबल वो अभी कुछ दिन पहले यहाँ से हटाया है और बेचारी गरीब जनता परेशान होती है कि हमारा कंबल हमको नहीं मिल रहा है और वो हमारे दरवाजे पर आके हम लोगों को उल्टा सीधा सुनाती है, हम लोगों को बोलती है। राशन भी वो अभी कुछ दिन पहले गरीब जनता का ऐसे ही उठा करके 10 लोगों को दिया, बाकी उठा करके बेच दिया और जनता हलाकान और परेशान और हम लोगों को उल्टा सीधा सुनना पड़ता है। हम लोग तीसरी मंजिल पे रहते हैं और ये तीसरी मंजिल पे रहता है, हम लोग नीचे रहते हैं और जनता को ये पता नहीं है। जो भी आती है वो हम लोगों को उल्टा सीधा बोलती है, चोरी ये करता है सुनना हम लोगों को पड़ता है और ये घर के लोगों को भी इसी तरह से परेशान करता है। जो पार्षद नगर निगम की चोरी कर सकता है वो क्या कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है। ना जनता को राशन मिल रहा है, ना जनता को, ये पिछली साल जाड़े का कंबल है, पिछली साल जाड़े से ये अभी तक रखा हुआ है और किसी को नहीं बांटा है। ये आप अच्छे से देख लीजिए, पाए थे से ये कंबल। और घर में भी इसने माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखा है मेरे घर का। मेरी माँ के इंतकाल के बाद से ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और मेरे भाई अदमान के ऊपर ये जानलेवा हमला भी कर चुका है। ये 307 का मुलजिम है लेकिन इसकी कोई गिरफ्तारी ना होने से इसका मन बढ़ा हुआ है। इसने मेरे ऊपर सैनिटाइज़ कर दिया ऊपर से नीचे तक और मुझे काफ़ी जलन हो गई और तकलीफ़ बढ़ गई। मैंने फ़ौरन थाने में जाकर तहरीर दिया और फ़ौरन फ़ोन करके बताया कि इस तरह से मेरे साथ हरकत हुई है और इसने मुझे ये भी धमकी दिया कि तुम्हारे ऊपर मैं एसिड फेंक दूँगा और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और मेरी माँ के इंतकाल के बाद मेरी भाइयों की कोई देखभाल नहीं करने वाला, इस वजह से मैं यहाँ रुकी हुई हूँ और ये चाहता है कि हमें परेशान करके यहाँ से किसी भी तरह से भगा दे और भगा करके ये अपनी मनमानी करे घर के अंदर। जो पार्षद राशन चोरी से बेच सकता है गरीबों का, कंबल चोरी से बेच सकता है, इस तरह से छिपा के रख सकता है, बेचता है, उनको देता नहीं है, वो कैसे एक अच्छा भाई हो सकता है? कैसे वो एक अच्छा बेटा हो सकता है जो एक अच्छा पार्षद नहीं बन पाया, जो गरीबों का हक मार रहा है? वो हमारे साथ क्या कर सकता है? आप खुद ही बताइए हमें। हम बहुत परेशान हैं इससे, हम लोगों को इसने परेशान करके रख दिया है मेरी माँ के इंतकाल के बाद से। इसीलिए मैं ये सारी बातें आप लोग तक लाना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ। आज की डेट है 13 अगस्त और मैं इसलिए बता रही हूँ कि आज की डेट 13 अगस्त है लाइफ कि आप जानिए कि इसकी सच्चाई क्या है और सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दिया है इसके बारे में। नगर निगम का कंबल जो ये चोरी से बेचता है और रखता है, इसको मैं दिखाना चाहती हूँ। हो सकता है ये झूठ बोल दे कि मैंने सच नहीं बताया है आप लोगों से और मैंने झूठ बोला है, उस सच्चाई को मैं बताना चाहती हूँ कि ये नगर निगम का कंबल है। इसलिए मैं उस कंबल को आपको खोल के दिखाती हूँ ताकि आपकी जानकारी में रहे कि ये नगर निगम का कंबल है। मैंने सच्चाई आपके सामने रख दी है कंबल की,
और अब आप बताइए कि ये चोर है, बेईमान है, जो इतना बड़ा चोर बेईमान है वो अपने घर में अपने भाइयों के साथ और अपने परिवार के साथ कैसे ईमानदार हो सकता है? जी, मेरा नाम शाइस्ता है। तो एक आपने वीडियो जारी किया कि कंबल बांटा नहीं बांटा और क्या ये सच्चाई है? ये जब से पार्षद हुए तभी से ये मसला चल रहा है। ये सारे कंबल आते हैं जिसमें ये 10 लोगों को बांटते हैं, बाकी ये क्या करते हैं, बेच देते हैं, हटा देते हैं, कहाँ ले जाते हैं, ये जवाब वो ही देंगे आपको। लेकिन कंबल लोगों को बंटता नहीं है पूरा, वो कुछ लोगों को बंटता है, बाकी लोग यहाँ से रो के और परेशान होकर के जाते हैं। अनाज का भी यही मामला था, जो भी सामान आए वो भी इन्होंने कुछ लोगों को दिया, बाकी लोग परेशान होते थे और हम लोग नीचे रहते हैं, ये तीसरी मंजिल पे रहते हैं, लोग हम लोग को परेशान करते हैं कि हमें ना कोई चीज़ मिलती नहीं है, हम लोग परेशान हो जाते हैं झेलते झेलते इन सब चीज़ों को। और ये सस्ता हम आपके सामने ले आए हैं कि वो गरीब का हक है, उसको मिलना चाहिए, वो नगर निगम की चीज़ है, ना कि उसको यहाँ पे होना चाहिए पिछली साल जाड़े से अभी तक। ये सबूत आपके सामने है। रही बात ये आरोप लगाते हैं कि इनकी शादी में मैंने 2 लाख रुपया मांगा, ये किस बिना पे लगाते हैं? इनकी पहली शादी हो चुकी है, ये दूसरी शादी है इनकी, तो जब इन्होंने जो पहली शादी की वो बहुत ही गलत जगह किया, तो इनको कोई अपनी बेटी ही नहीं दे रहा था, दहेज कौन दे देगा इनको? कंबल वाले पे पार्षद जी ने बोला कि ये नगर निगम वाले कंबल पे टैग लगा था, नगर निगम लिखा था इस पे, ये प्रिंटेड है। वो प्रिंटेड नहीं है, अगर आपने वीडियो देखा होगा, लोगों ने देखा होगा, तो उस पे नगर निगम का लिखा हुआ है। और ये भी आरोप लगाया कि ये स्थानीय नेता के बहकावे में आ गया। ये बहुत ही झूठा और बेवकूफ़ी वाला आरोप है, वो क्यों हमारा साथ देंगे? भाई वो हमारे वालिद के बहुत अच्छे दोस्त थे, उनका वही पुराना रिश्ता है, हमारे मसले से उनका कोई लेना देना नहीं है। आपके हिसाब से कितना कंबल इन्होंने नहीं बांटा? हमारे हिसाब से इस टाइम जो रखा हुआ है वो 15 तो होना चाहिए कंबल। शहाब अंसारी, पार्षद नगर निगम इस्माइलपुर। पार्षद जी, आपकी बहन ने एक वीडियो वायरल किया और आरोप लगाया, क्या मामला? मेरी बहन तो साल भर से मेरे ऊपर रोज़ कुछ ना कुछ आरोप लगा रही हैं षड्यंत्र के तहत, और अभी एक दिन पहले दूसरा आरोप, आज दूसरा आरोप, परसों दूसरा आरोप, तो अब तो आदत पड़ गई आरोप सहने की। लेकिन आरोप लेके क्या आरोप लगाएंगे? लेकिन आरोप सिद्ध नहीं कर पा रही है, सिर्फ साजिश के तहत एक राजनीतिक व्यक्ति जो बहुत बड़ा नेता है समाजवादी पार्टी का, उससे मिल करके मेरे खिलाफ़ षड्यंत्र रचा जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि कंबल हम जो है बेच देते हैं। सबसे पहले सवाल ये है कि जो नगर निगम गोरखपुर का कंबल होता है उस पर स्टिकर लगा रहता है, ये बता रहे हैं कि पिछले साल का कंबल है, और जो दूसरा वीडियो वायरल की है वो दूसरे कमरे में कहीं अपना कंबल दिखा रहे हैं जो प्रिंट से छपा हुआ है। हम लोगों को जितना भी कंबल मिला है स्टिकर से लगा हुआ, स्टिकर लगा हुआ नगर निगम गोरखपुर लिखा है उस पर, वो सारे पार्षदों को वही स्टिकर वाला कंबल मिला था जो हम लोगों ने जाड़े में ही बांट दिया। लेकिन ये जो कंबल दिखा रहे हैं हम लोगों के रिजीम में, किसी भी पार्षद को, 70 पार्षद हैं गोरखपुर में, किसी भी पार्षद को ऐसा कंबल नहीं मिला है। अब हमारे रिज्यूम के पहले 2 साल पहले मिला हो, क्योंकि पूर्व पार्षद से मेरे जो है राजनीतिक विरोध है, उनके द्वारा मुझे लग रहा है या कहीं से मंगा करके एक साजिश और षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है। अभी आपने एक नेता का आरोप लगाया, जी एकदम बताना चाहेंगे? वो नेता नहीं, समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा भू माफिया है, और पूरे गोरखपुर से लेकर के लखनऊ तक जितनी विवादित जमीन रहती है विपक्ष में खरीदता है, और जब अपनी सरकार आ जाती है तो उसको बेचने का काम करता है और फर्जी लोगों को फंसाने का काम करता है। यही नहीं, जितने शहर के भूमाफिया अपराधी हैं उससे जुड़े हुए हैं, रात में उसके घर पे बैठका होता है और 2 बजे तक उसके घर पे जुआ चलता है। अभी जल्द ही उसने जो है एक खोकट टोले में बड़ा मदरसा है,
उसकी ज़मीन कब्जा कर रखा है, उसके बगल में उसने अपना कंपाउंड बनवाया है जो 2 मंजिला ऊपर तक बनाया है, जिससे जीडीए में शिकायत गई थी, जीडीए ने उसको तोड़ने का आदेश भी दे दिया है, लेकिन अभी रुका हुआ है। आजम खां के नाम पे उसने आजम खां का डर दिखा करके, खौफ दिखा करके, अधिकारियों को डरा करके करोड़ों अरबों रुपया भू माफिया से करोड़ों अरबों रुपया कमाया है। वो वक्त भी हम लोगों को याद है कि जब ये लाल वैन से चलते थे, इनके पास किराए की वैन थी, इनके पास पैसा नहीं था तेल डलवाने का, तो हम लोगों के पिताजी से पैसा लेकर के तेल डलवाते थे। आज करोड़ों अरबों रुपया इतनी संपत्ति है, इतने अपराधी उनसे जुड़े हुए हैं, भू माफिया हैं। मैं आपके द्वारा मांग करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि इनकी जांच कराई जाए, इनके संपत्ति की जांच कराई जाए, इनके जितने काले कारनामे हैं उनकी जांच कराई जाए। और चूंकि मैंने उनको चुनाव हराया है नगर निगम पार्षदी का, तो मेरे बहन के साथ घरेलू मसले में मिलकर के मेरे खिलाफ़ साजिश रचा जा रहा है रोज आए दिन।